हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर किस तरह से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। नेट से आप इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी साइट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सॉफ्टोनिक फाइल ही गेट इनटू पीसी होता है, इस तरह से कुछ साइट्स होती हैं जिनसे आप इसे इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं इसी तरह से आपको इसे ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करना सिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक माइक्रो एज होता है। आप इसमें जाएं, एक ब्राउजर होता है ये भी। यहां पर आप लिखें मोजिला फायरफॉक्स। देखो यहां पर इसकी एक ओरिजिनल साइट होती है हमारी, ये मोजिला की, मोजिला फायरफॉक्स फॉर डेस्कटॉप। तो आप यहां से इस पर क्लिक करें, यहां पर आपको डाउनलोड फायरफॉक्स देखने को मिल रहा है, ये वाला। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। देखिए यहां पर लिखा हुआ है शुड बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर आपको ऑप्शन रन और सेव की मिल रही है। आप इसे सेव भी कर सकते हैं या रन कर सकते हैं, तो मैं रन कर देता हूं। तो यहां पर एक ऑप्शन आपके पास आ गया, यहां से आप इसे यस करें और यहां पर इंस्टॉलिंग आपकी डायरेक्ट शुरू हो जाती है। अगर आप इसे सेव करते हैं तो आपके पास एक इंस्टॉलर सेव हो जाता है, वो डाउनलोड के अंदर जाएगा, फिर वहां से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये देखो यहां पर फायरफॉक्स आपका आ जाता है और ये रन हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू, या स्किप करना चाहें तो आपके पास स्किप का भी ऑप्शन होता है, आप स्किप कर सकते हैं। स्किप दिस टाइम, स्टार्ट ब्राउजिंग, और आपका ब्राउजर जो है वो वर्क करने के लिए रेडी है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।